एसएसपी के निर्देश पर जनपद भर में नशा कारोबारियों के विरुद्ध चलाई जा रही अभियान के क्रम में थाना शेरवे पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सैनवा थाना शेरवे में कल्ला पुत्र चरण सिंह के मकान में अवैध रूप से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित है। इस सूचना पर थाना शेरवे और छाता पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मकान की घेराबंदी की गई और छापामार कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर 692 क्वार्टर अवैध नकली शराब, मस्ताना ब्रांड, हरियाणा मार्का के और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण और एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस के अनुसार इन अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पकड़े गए लोगों में भूपेंद्र पुत्र महेंद्र सिंह निवासी नौगांव छाता, कल्ला पुत्र चरण सिंह निवासी सैनवा शेरगढ़ और रमन पुत्र चरण सिंह निवासी शेरगढ़ बताए गए हैं। शेरगढ़ पुलिस और थाना छाता पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था, जिसमें अवैध शराब की फैक्ट्री होने की सूचना मुखबिर द्वारा मिल रही थी गांव सैनवा में, थाना शेरगढ़ में। और हमारी दोनों ही टीम, थाना छाता और थाना शेरगढ़ की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें एक फैक्ट्री पकड़ी गई है शराब बनाने की, जिसमें 692 अवैध नकली शराब के क्वार्टर मिले हैं, जो कि मस्ताना हरियाणा ब्रांड की है। और इसके अंदर तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें भूपेंद्र, कल्ला और रमन। कल्ला के घर पे ये फैक्ट्री थी गांव सैनवा में, और उसके पास से काफ़ी सामान मिला है जिससे दारू बनती थी। उसमें स्प्रिट हैं 3 कैन, उसमें हॉलमार्क है नकली, उसमें ढक्कन मिले हैं बहुत सारे, और एक कोनिया मिली है और 315 के 3 कारतूस मिले हैं, नकली होलोग्राम हैं, नकली रैपर हैं, खाली बोतल हैं, और इसके अलावा एक हाइड्रोमीटर है, पैकिंग मशीन है। तो पूरी सामग्री उनके पास थी जिससे वो दारू वहाँ बनाते थे, और ये गोरख धंधा वहाँ पे चल रहा था। तो इसके अंदर जो पूरी टीम थी थाना छाता की, थाना शेरगढ़ की, इनकी कठिन परिश्रम से, इनके मेहनत से ये सफलता मिली है, और इससे अंकुश लगता है। जिस तरह की जो फैक्ट्रियाँ जो चलती हैं उनके हौसले पस्त होते हैं, और एक मैसेज जाता है अपराधियों में कि अब वो इस तरह की गतिविधियाँ चल नहीं पाएंगी। और इसका पूरा श्रेय जाता है प्रदीप कुमार थाना अध्यक्ष शेरगढ़ को और अरविंद मिश्रा थाना अध्यक्ष छाता को, और इनके साथ जो इनकी टीम थी जिसमें कांस्टेबल मानविंदर सिंह, सुधीर कुमार, अभिषेक कुमार, सुरेंद्र कुमार, वसीम, सोनू कुमार, लोकेश कुमार, योगेश कुमार और सोनवीर, और साथ में उपनिरीक्षक प्रवेंद्र कुमार, अनुज कुमार और मानविंदर को। तो एक पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, इसमें शराब की फैक्ट्री पड़ी पकड़ी गई है, और पूरा सामान जो जिससे बनाते थे वो सब मिला है, जिसमें होलोग्राम भी हैं, नकली रैपर है, खाली बोतल हैं, ढक्कन हैं, 2000 के करीब बारकोड हैं। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, और इससे जितने भी शराब के धंधे में जो अवैध शराब की तस्करी करते हैं या किसी तरीके से फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं, तो उनके हौसले पस्त होते हैं और पुलिस का मनोबल बढ़ता है जब इतना ही सफलता मिलती है।